दिल्ली के गढ़ौली में इस वक्त मौजूद हूँ और संजय गुप्ता जी हैं, प्रधान हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष हैं और पूर्वी दिल्ली के किराएदार विंग के मतलब उपाध्यक्ष भी हैं। संजय भाई, दिल्ली में किराएदार बहुत रहते हैं और किराएदारों का ही आपके ऊपर दामोदार इस वक्त है, पार्टी की तरफ से भी आप कार्य कर रहे हो, किराएदारों के लिए कैसे सुविधा आप मुहैया कराते हैं? भाई, पहले पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, जो और जो जो भी किराएदारों को जो सुविधा दी जाती है पार्टी की तरफ से, पर्सनल भी पूरी सुविधा दी जा रही है पूर्वी दिल्ली में, यहाँ दिल्ली पूरी में बहुत अच्छा चल रहा है और किराएदारों के लिए जो भी सुविधा आगे भी होगी पूरी देंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये रहता है संजय भाई कि किराएदारों के लिए ना कहीं राशन इस बार बांटा आप लोगों ने, पार्टी ने राशन बांटा, केजरीवाल जी की बात करूं चाहे केंद्रीय सरकार की बात करूं, लेकिन कुछ ऐसे किराएदार होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई कोरोना काल के अंदर, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं था, तो क्या ऐसे लोगों की भी मदद की गई है पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से? पूरी तरह से पार्टी की तरफ से भी मदद की गई है, पर्सनल तौर पे भी मदद की गई है किराएदारों से, पर्सनल जाके पूछा भी है कोरोना काल में, सैनिटाइज़र लो, राशन लो, जो भी दवाई, मतलब पूरी भरपूर वो की गई है, मदद की गई है। कोई जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं है, आपको लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप लोग उससे मिलते हो, तो कैसे फिर उसकी मदद की जाती है? जिस तरीके से बस अपने बन उसमें होती है करते हैं, जैसे भी हो जाए व्यवस्था बनाई जाती है उसको किराएदार की, नहीं कहीं ना कहीं इसको परेशान नहीं, नहीं 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 बिल्कुल भी पार्टी की तरफ से बिल्कुल संतोष किया जाए। अच्छा, एक बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आपको आम आदमी पार्टी में ही ऐसा क्या नज़र आया कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? पार्टी में गरीबों की पार्टी है, बढ़िया पार्टी है, और जो दूसरी पार्टी सुविधा नहीं देती वो बीजेपी भी नहीं देती, कोई पार्टी जो आम आदमी पार्टी लोगों के बारे में सोच रही है और बहुत बढ़िया लोगों की व्यवस्था बना रही है। अच्छा, एक सवाल किराएदार से जुड़ा हुआ आपसे ये बनता है, कहीं ना कहीं केजरीवाल ने 200 यूनिट तक दिल्ली में फ्री कर रखा है, तो उसका लाभ क्या आप किराएदार को भी दे पाते हैं, किराएदार को दिलवा पाते हैं मकान मालिक से? जितनी कोशिश होती है दिलवाते हैं, 200 यूनिट तो फ्री है ही है किराएदार के लिए भी, किराएदार के लिए भी है, तो मीटर जिसके यहाँ लगा होगा माल फ्री होगी तो नहीं, सरकार सर ऐसा होता है ना कि मकान मालिक भाई कहता है कि नहीं भाई मैं तो बिल लूँगा, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि बिल? अभी ऊपर के जो हमारे अध्यक्ष वगैरह वो इस चीज़ को, और पानी की बात करूँ तो किराएदार को भी पानी मिल प्रॉपर मिल रहा है? हाँ, पानी मिल रहा है, पानी बिल्कुल किराएदार को पानी मिल रहा है। तो मैं एक उम्मीद करूँ कि संजय गुप्ता इस तरीके से ही किराएदारों के जो उसमें होगा, जो उनके लिए अच्छाई किसमें होगा, वो काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तन मन धन किराएदारों के लिए पूरा सेवा मिलेगी, पार्टी जो हमें गाइडलाइन देगी पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, वो भी बहुत साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जी 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 जी, कुलदीप कुमार कौंडी से विधायक हैं, रातों दिन लगे रहते हैं और पूरा कार्यकर्ता। संजय चौधरी की बात की जाए, पार्षद जी हैं, पूर्व पार्षद हैं, बढ़िया, वो भी बहुत अच्छा, कई सालों से जानते हैं पार्षद जी को हम, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसी को परेशान किया कोई इसी तरीके, हर व्यक्ति के साथ मदद की होगा। तो ये थे संजय गुप्ता जी हैं, और संजय गुप्ता जी मैं आपको बता दूं किराएदार का ये संस्था बना रखी है, उसके उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि किराएदारों की सुनता कोई नहीं था, किराएदारों को परेशान किया जाता था, किराया आ गया और यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको मकान मालिक कहता भैया आप तुम जाइए, लेकिन जो एक सिस्टम बनाया गया है, संजय गुप्ता भाई ने बताया कि उस सिस्टम को लागू किया गया है और मदद जितनी भी ज़्यादा हो सकती है किराएदारों की करी जाती है, और इसी तरीके से इन्होंने एक दावा किया है, एक वादा किया है कि भाई किराएदारों की जितनी मदद हो सके, क्योंकि कोरोना काल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की कमर टूट गई, किराएदार अब वापस आए हैं, कुछ लोग चले गए थे लेकिन फिर से दिल्ली में रोज़गार की तलाश में आए हैं, तो उनको एक तरीके से कहा गया कि भाई किसी को भी परेशान नहीं रखा जाएगा, परेशान होने नहीं दिया जाएगा, हम तन मन धन से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ तरीके से और यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार और पार्षद पूर्व पार्षद संजय चौधरी और संजय जुगनू चौधरी के तत्वधान में हम जो कार्य कर रहे हैं किराएदारों के लिए वो करते रहेंगे।